वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत सियासी सूरत हाल पर इजलास, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो, राना सनाउल्ला, खारजा आसिफ समेत दीगर वुजरा की शिरकत, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। कौमी सलामती कमेटी इजलास में दहशत गर्दी की हालिया लहर के सदबाब पर गौर, अस्करी हुकाम की दहशत गर्दी और अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गयी। कौमी सलामती कमेटी इजलास से कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात, खारजा उमूर और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए आज टाइमलाइन देगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन को वफाकी हुकूमत से मीटिंग करके आज तहरीरी जवाब और टाइमलाइन अदालत में जमा कराने का हुक्म दिया था। हाईकोर्ट में केस की समाअत कुछ देर में शुरू होगी। पीटीआई आज से मुल्क में नई एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी। तवील मुद्दती टेक्नोक्रेट सेटअप का शोशा मुस्तरद कर दिया। पंजाब में पार्लिमानी पार्टी का 2 जनवरी को होने वाला इजलास मौखिर। कौमी असम्बली से इस्तीफे मंजूर न करने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा टेक्नोक्रेट हुकूमत के कब्जे की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब में हुकूमत तब्दील करने के लिए गवर्नर साजिश का हिस्सा बने। अरकान कौमी असम्बली तालिब नकई, गुलाम मोहम्मद लाली और गुलाम बीबी भड़वाना के वीडियो पैगाम, इस्तीफा कबूल करने पर इसरार। सरदार तालिब नकई ने कहा 11 अप्रैल को इज्तिमाई इस्तीफे दिए और वो फैसले पर कायम हैं। गुलाम बीबी भड़वाना की हाजिरी लगाने और तनख्वाहें मांगने की तरदीद, कहा कल भी इमरान खान के साथ थी और आज भी साथ हैं। तो वो कोई एक पार्टी, कोई एक हुकूमत, कोई एक ग्रुप, वो इन मसाइल को अकेले हल नहीं कर सकता। लोग आज जिस मसाइब में हैं वो अच्छा सुनना चाहते हैं। मुझे किसी ने नहीं कहा था कि मैं पूरे शहर में जगह जगह जाऊं, सियासी रहनुमाओं से मिलूं या उनसे मुलाकातें करूं। सिर्फ और सिर्फ एक वजह, अगर अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। मैं जिस मनसब पर हूं वहां सियासी बात तो नहीं कर सकता, इखलाकी बात जरूर कर सकता। मुतहदा को मुतहद करने का मिशन आखिरी मरहले में दाखिल, जल्द बड़ा ऐलान मुतवक्के। गवर्नर सिंह कामरान टेसूरी की पाकिस्तान हाउस जाकर मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर बोले उन्हें किसी ने नहीं कहा कि मुलाकातें करें। कराची में काम न होने की वजह से लोग बहुत नाराज हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा वो कराची के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। लोग अच्छी खबर सुनना चाहते हैं, इख्तलाफात को कम देखना चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायमखानी आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। मुल्क में जर मुबादला के जखायर में 29 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी। स्टेट बैंक के पास जर मुबादला के जखायर 5.82 अरब डॉलर रह गए। कमर्शियल बैंकों के जर मुबादला जखायर 5.8 अरब डॉलर की सतह पर आ गए। मुल्क में जर मुबादला के मजमूई जखायर 11.7 अरब डॉलर रह गए। मुल्क में आटे की कीमतें बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गईं। मुल्तान में फाइन आटे का 15 किलो वाला थैला 1,850 रुपए में फरोख। 15 रोज के दौरान फाइन आटे के थैले की कीमतों में 370 रुपए इजाफा। चक्की आटे और सुपर फाइन आटे की कीमतें भी बढ़ चुकी। चक्की आटा और सुपर फाइन आटा ओपन मार्केट में 135 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। पंजाब के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। हुकूमत पंजाब ने मौसम सरमा की छुट्टियां बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तालीमी इदारे 9 जनवरी बरोज सोमवार को दोबारा खुलेंगे। लाड़काना में महकमा तालीम का बड़ा एक्शन, 19 घोष असातिज़ा नौकरियों से बरतरफ। डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन लाड़काना ने 19 असातिज़ा के नौकरियों की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बरतरफ 19 असातिज़ा का ताल्लुक जिला शिकारपुर से है। कार्रवाई वजीर तालीम सिंध सैयद मुराद शाह की हिदायत पर की गयी। अफगानिस्तान में एनजीओस काम करने के लिए खवातीन पर पाबंदी खत्म की जाए, G7 मुमालिक का एलामिया। वज़ीरे खारजा का कहना है तालिबान अक्वामे मुतहदा में शामिल होने के लिए खवातीन के हुकूक बहाल करें। खवातीन की मदद के बगैर एनजीओस इमदादी काम जारी नहीं रख सकती। अफगानिस्तान के गरीब तरीन अवाम को खुराक, अद्वियात और दीगर सामान की तरसील रुक गयी। फैसलाबाद के लिए मंजूर शुदा पहले मास्टर प्लान पर एफडीए के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में धड़े बंदी। बोर्ड इजलास में गैर हाजिर मेंबरान का मास्टर प्लान की मंजूरी पर एतराज, लाहौर हाईकोर्ट जाने का ऐलान।
एबटाबाद मरी गिलियात में मुसलसल बर्फबारी, 1 फीट से जायद बर्फ पड़ने से मरी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, राबता सड़कें मुकम्मल बंद, सर्दी की शिदत बढ़ गई। सयाहों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत, औरकजई, हंगू, पारा चनार में भी वक्फे से बर्फबारी जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके आज भी धुंध के जेर असर, मोटरवेज और हाईवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, परवाजों और रेलगाड़ियों का शेड्यूल भी डिस्टर्ब है। अमरीका बर्फानी तूफान गुजर जाने के बावजूद मुश्किलात से ना निकला, वस्ती और मगरबी अमरीका में मजीद सर्द मौसम और तेज हवाओं की वार्निंग जारी। डेनोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 7 इंच बर्फ पड़ने की इत्तला, जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। सड़कों से बर्फ की सफाई का काम शुरू, कई इलाकों में इतवार के लिए रेड अलर्ट जारी। कैलिफोर्निया और न्यू अड्डा में 16 मिलियन से ज्यादा लोगों को सैलाब का सामना। कराची टेस्ट का आखिरी रोज कौमी बैटर्स का इम्तिहान, मैच ड्रॉ करने के लिए विकेटें बचाना बड़ा चैलेंज होगा। कौमी टीम ने दूसरी इनिंग्स 2 खिलाड़ी आउट पर 77 रन से आगे बढ़ा दी। न्यूजीलैंड की पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए 97 रन दरकार। मेहमान टीम ने पहली इनिंग्स 612 रन पर डिक्लेयर कर दी थी। ब्राजील के माया नाज फुटबॉलर पहले 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अजीम फुटबॉलर पहले कैंसर के मर्ज में मुब्तिला थे। पहले के पाकिस्तान और दुनिया भर में मद्दा उदास, पहले 3 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में शामिल होने वाले दुनिया के वाहिद खिलाड़ी हैं। 2000 में फीफा ने सदी का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया। साल 2022 खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात के लिए तबाहकुन रहा, दरख्तों को आग लगने के 7 वाकयात रूनुमा हुए। 2000 से जायद एकड़ रकबे पर तबाही मचा दी। देवदार, चीड़, यूकलिप्स, इंजीर, चनार और सफेदे समेत हजारों कीमती दरख्त जलकर खाकसर हो गए।